हेलो गाइस, कैसे हैं आप? जैसा कि देख पा रहे हैं, आज हमारे पास गैराज में आई है TVS स्पोर्ट। तो इसमें स्मोक का प्रॉब्लम है, तो इसका इंजन का काम करेंगे हम। तो अपने क्लाइंट को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं गाड़ी में क्या दिक्कत है, क्या करना है। भाई हेलो भाई, और कैसे हो? आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, कृपया हमारे पब्लिक को बताएं। तो गाड़ी में दिक्कत है, धुआं दे रही है, उसकी आवाज़ सही नहीं है। आप गाड़ी का काम करवाया था आपने इससे पहले? हाँ, 2 महीने पहले करवाया था। फिर क्या प्रॉब्लम आई? फिर से वही प्रॉब्लम, से धुआं दे रही है। गाड़ी का साउंड खराब है, अच्छी नहीं है। नहीं, पिकअप कुछ भी नहीं, पिकअप नहीं आ रहा। चलो ठीक है, तो इसके बाद हम अभी की गाड़ी का काम करेंगे। आयल सील बैठाएंगे, उसके बाद ये ओरिंग, ओरिंग ऐसे लगा देंगे, बराबर से लगाएं। अब ये लग गए, अब इसमें गैस्केट बॉन्ड का अप्लाई करेंगे, अच्छे से लगा देंगे ताकि आयल का लीकेज ना हो। इसमें 2 छोटे छोटे वार्सल रहते हैं रबड़ के, इसको लगा देंगे यहाँ पे। पहले इसके अंदर टाइमिंग चेन डालेंगे अंदर में, यहाँ पे अंदर इसमें चढ़ा दें दाती पे। यहाँ पे कैमशाफ्ट घुमाता है टाइमिंग चेन, वाल कैमशाफ्ट। अब इसको प्लेट को लगा देंगे, 2 पेंच का इसकी मदद से टाइट कर देंगे, फुल टाइट करेंगे। अब लगाएंगे इसमें मैग्नेट लगा देंगे, 17 नंबर का नट, इसको यहाँ पे लगाएंगे। अब इसे टाइट कर देंगे। अब इसमें लगाएंगे पिस्टन, ये तीर का निशान आगे की साइड रहना चाहिए। अब एक लॉक लगाएंगे इधर आगे से ताकि ये पिन बाहर ना निकले, कपड़ा लगा लें ताकि लॉक अंदर ना जाए। अभी अच्छे से बैठ गया है, इसको घुमा के चेक कर लें। यहाँ पे 2 डबल लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे ऐड कर देंगे, गैस्केट बॉन्ड का अप्लाई करेंगे हल्का हल्का, ज़्यादा ना लगाएं, पैकिंग लगा दें। इसमें लगाएंगे ऑयल, पिस्टन भी लगा देंगे ऑयल। अब पिस्टन के साथ इसे ऐड कर देंगे, इसको इसके अंदर से लेंगे, ब्लॉक के अंदर से। अरे अच्छे से लग गया। 8 नंबर के 2 छोटे छोटे नट, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, फुल टाइट करेंगे। पिस्टन को मूव करके देखेंगे कि अच्छे से मूव कर रहा है पिस्टन कि नहीं। इसके बाद लगाएंगे 2 डबल, एक यहाँ पे ऐड करेंगे, एक यहाँ पे, ये टाइमिंग चेन गाइड है, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। अभी लग गई है, यह है कैम सॉफ्ट, इसमें वॉल हमने नया ऐड किया है, कैम सॉफ्ट की रॉकर है, ये दूसरी रॉकर है, ये टाइमिंग चेन की दूसरी गाइड है, ये टाइमिंग चेन को टाइट रखती है। अब इसको हम यहाँ पे गैस्केट बॉन्ड का अप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे इसे। अब ये लग गया है, अब इसमें लगाएंगे 8 नंबर के 2 नट, आठ नंबर सॉकेट से इसे टाइट कर देंगे, फुल टाइट करेंगे ताकि आयल का लीकेज ना हो। अब लगाएंगे 4 स्टेट के नट, अपोजिट बाई अपोजिट टाइट करेंगे, मैग्नेट को टॉप पर कर लेंगे, पिस्टन को भी यहाँ पे टी पोजीशन है, यहाँ पे इससे मैच करना चाहिए। अब यहाँ पे लगाएंगे एक पिन, कैम शाफ्ट में लगा देंगे एक पिन, छोटी सी पिन, ध्यान रहे आराम से लगाएं, अंदर न गिरे। अभी लग गई ये वाला भाग, यहाँ पे सीट पे आना चाहिए, अभी टॉप पे। अब टाइमिंग चेंज करा रही में 2 नट, एक पत्ती ऐड कर देंगे यहाँ पे, 8 नंबर टी की मदद से इसे फुल टाइट कर देंगे, यहाँ से मोड़ देंगे इसे ताकि ये नट गलती से खुले ना, ढील होने के बाद भी कभी। अब यहाँ पे लगाएंगे टाइमिंग चेन एडजस्टर, देखें अभी टाइमिंग चेन लूज है, इसको लगाने के बाद टाइमिंग चेन टाइट हो जाएगा। अब ये फुल टाइट हो गया है, एडजस्टर नट इसे बोलते हैं, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे। 10 नंबर से टाइट कर देंगे,
अब मिलाएंगे टैपिंग, इसका वाल साइड प्ले रहना चाहिए, ऊपर नीचे के प्ले ना रहे। ये दोनों वाल परफेक्ट मिल गए हैं अच्छी तरह से, अभी परफेक्ट लग गई है पैकिंग। अब इसका टॉप वाला भाग, लिखा वाला भाग, ये भाग ऊपर रहेगा, ये भाग नीचे रहेगा। 8 नंबर के 2 नट लगाएंगे, अब इसे फुल टाइट कर देंगे। इंजन के लाइट कॉयल के, स्टार्टिंग कॉयल के दोनों वायर लगा देंगे। इसमें बेसिकली फिल्टर था ही नहीं, सड़ गया था इसका फिल्टर। इससे पहले यहाँ पे देख ले ओरिंग लगा है कि नहीं, ये ओरिंग यहाँ पे ऐड कर देंगे। 8 नंबर सॉकेट के मदद से फुल टाइट करेंगे। फिल्टर बॉक्स को लगा देंगे 8 नंबर के एक नट, इसको यहाँ पे एक सिरा, यहाँ पे एक सिरा यहाँ पे ऐड कर देंगे, दूसरा सिरा यहाँ पे ऐड करेंगे। फुल टाइट कर देंगे स्क्रू ड्राइवर से, ऑयल डाल देंगे, टैपिंग नट लगा देंगे। दोनों प्लास्टिक के रहते हैं बेसिकली ये। अब इसे बिना साइलेंसर के स्टार्ट करेंगे।